छठ महापर्व के पावन त्यौहार पर गूगल केयर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। यह बिहार और उत्तर प्रदेश में आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है और इसमें जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण हो जाती है। इस महापर्व में उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। हाँ दोस्तों, यह केवल छठ ही ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उनसे मनोकामना मांगी जाती है। यह चार दिनों का महापर्व है जिसमें आज हम लोग पहले दिन के पर्व के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग नहा खाए कहते हैं, और आगे का तीन दिन का महापर्व के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और उसे आप ऊपर के आई बटन से भी प्रेस करके देख सकते हैं। इस पर्व को पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं और जो इस पर्व को करते हैं नहा खाए के दिन बहुत ही पवित्र तरीके से प्रसाद को बनाया जाता है। उसमें सबसे पहले पास के तालाब या नदी में जाकर स्नान किया जाता है और वहाँ पे पूजा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो पर्व त्यौहार करने वाली महिलाएं हैं वो गंगा नदी के किनारे स्नान करने के बाद पूर्ण रूप से शुद्ध होकर इस महापर्व को स्टार्ट करते हैं। इस महापर्व में इतनी आस्था है, अगर आप शुद्ध मन से कुछ भी मनोकामना छठी मैया से मांगे तो आपको ज़रूर उसकी फल प्राप्त होगी। और इस तरह से पूजा करने के बाद नहाय खाय की शुरुआत हो जाती है और बहुत ही शुद्ध रूप से इस दिन अरवा चावल का भात, कद्दू की सब्जी और चना दाल बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही शुद्ध तरीके से तैयार किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग अपने सर पे गंगा जल को लेकर जा रहे हैं ताकि उसमें चावल को बनाया जा सके, और आप यहाँ पे स्क्रीन पे प्रसाद को देख सकते हैं। इस तरह से नहाय खाय से बहुत ही शुद्ध तरीके से इस पावन त्यौहार का शुरुआत की जाती है। इस पर्व की इतनी महानता है कि प्रशासन के सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी अपने मन से पूरे दिन रात मेहनत कर इस महापर्व में अपना योगदान देने को तैयार रहते हैं। हम लोग इसी तैयारी को देखने के लिए बिहार की राजधानी पटना में स्थित दीघा घाट का गेट नंबर 93 पे चलते हैं, जहाँ की बहुत ही पुख्ता इंतजाम किया गया है। जैसे ही आप घाट के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको पार्किंग की ओर जाने का रास्ता मिलेगा और वहाँ पर बहुत ही बड़े क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे आप अगर आप घाट पर गाड़ी से जाते हैं तो अपने गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, और वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर गंगा नदी में जाने पर हम लोग घाट किनारे चलते हैं और वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, जहाँ पे प्रशासन का एक छावनी को तैयार किया गया है जो हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नहाय खाय के दिन से ही प्रशासन मुस्तैदी से तैयार है और कुछ इमरजेंसी के लिए मेडिकल का भी व्यवस्था किया गया है, और वहाँ पे तरह तरह के इन्फॉर्मेशन भी दिए गए हैं, जैसे कि पटाखे नहीं छोड़ना है क्योंकि सूरज को अर्घ देने के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हर तरफ से सावधानी बरती जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ गोताखोरों को भी तैयार कर रखा गया है और यहाँ पर बारकेडिंग किया गया है जिससे कि कोई दुर्घटना ना घटे, और यह बहुत ही मनोभावन दृश्य होता है। और यहाँ पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं जहाँ से हर कर्मचारी अपना पैनी नज़र रखते हैं, और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। नहाय खाय के दिन घाट पर हमारी एक उपेंद्र जी से मुलाकात हुई, जो कि वहाँ पर हर तरह के फूल, चंदन, आम का दातू बेच रहे थे, जिसे कि नहाय खाय के दिन पर्व त्यौहार करने वाले पुरुष और महिलाओं को ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा कोशिश रहा कि मैं छठ के पहले दिन का महान पर्व का नहाय खाय को हर दृष्टि से आपको बताने का कोशिश करूं और पटना के घाट का जानकारी दे सकूं, जहां कि आप अपने दोस्तों को भी जिनके यहाँ छठ हो रहा हो इस घाट के बारे में आप इस जानकारी को शेयर कर सकें। इसी तरीके से मेरा प्रयास रहेगा कि बाकी तीन दिन का इस महान पर्व के बचे हुए दिन के बारे में आपको बता सकूं और इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे सकूं। अंत में आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छठी मैया का
आप पे असीम कृपा बनी रहे और आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो।